कोरोना काल कई परिवारों को ऐसे दर्द दे गया जिसकी भरपाई होना अब संभव नहीं है। हालांकि शासन द्वारा जो योजनाएं चलाई गई है उसका जरूर लाभ लोगों को मिल पा रहा है। बड़वानी के सहकारी साख समिति के सेवारत भागीरथ यादव की कोरोना संक्रमण के चलते मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी किरण और बेटा प्रमोद भी कोरोना के कारण काल के ग्रास में समा गए। मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए प्रमोद की पत्नी उर्मिला की अनुकंपा नियुक्ति की गई। बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि शासन को इस पूरे प्रकरण से अवगत करवाया गया है और अनुशंसा की थी कि इसे विशेष प्रकरण मानकर अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। अनुमति मिलने के बाद महिला की अनुकंपा नियुक्ति की गई है। मेरे पास एक प्रकरण कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का आया था से 4-5 दिन पहले, जिसमें ARCS ने बताया गया कि एक परिवार में एक महिला है शर्मिला यादव, उसके ससुर नौकरी में थे कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में, उनकी अभी कोविड के दौरान मृत्यु हो गई है और उनके सास की भी मृत्यु हो गई है और उनके पति की भी मृत्यु हो गई है। अनुकंपा नियुक्ति में ये प्रावधान है कि कोई भी जो सास की सेवक मृतक होता है तो उसमें उसके पति पत्नी और बच्चों की ही अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। क्योंकि इसमें श्रमणा यादव उस पात्रता की श्रेणी में नहीं आती थी, यह मानवीय दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ मामला था। जैसे ही मेरे सामने संज्ञान में प्रकरण आया, मैंने शासन को पूरा प्रकरण रेफर किया गया और मैंने अनुशंसा की कि इसको विशेष प्रकरण मान करके अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। बड़ी खुशी की बात है, हमारे शासन के द्वारा कल हमको इसकी अनुमति मिल गई थी और आज ही उस महिला को अनुकंपा नियुक्ति का सर्टिफिकेट उसको दे दिया गया है। ये इसलिए अच्छा आया कि चूँकि उस परिवार में महिला के दो बच्चे हैं और महिला है, उसके घर में और कोई नहीं है। अब मुझे लगता है कि उसको अनुकंपा नियुक्ति मिलने से महिला अपने बच्चों का और अपना खुद का पालन पोषण ठीक से कर पाएगी। ऐसे भी हम जिले में और भी कहीं ऐसे प्रकरण मिलते हैं, हमारा ये प्रयास है अभी जो जिले में अनुकंपा नियुक्ति और होना है उसमें भी मैंने सारे अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि जितनी भी अनुकंपा नियुक्ति पेंडिंग है उनका शीघ्रता से उसका निराकरण करा लें, ताकि जो पात्र परिवार हैं उनको एक संबल मिल सके। बड़वानी जिले में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा शासन की योजनाओं को लाभ हितग्राहियों को दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत किसी बच्चे के माता पिता की मृत्यु होने पर 5,000 रुपए प्रतिमाह बच्चों को दिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रकरण में पति या पत्नी की मृत्यु होने पर बच्चों के भरण पोषण के लिए 2,000 देने का प्रावधान है। बड़वानी जिले में 30 प्रकरणों में 2,000 सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है। अन्य प्रकरणों के लिए भी शासन को पत्र भेजा जा रहा है। महिला बाल विकास में अभी जो महिलाओं के और बच्चों के कल्याण के लिए शासन की स्कीम है, उसमें ये प्रावधान है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नई एक स्कीम लागू की है उसमें मुख्यमंत्री कल्याण योजना के नाम से, उसमें यदि माता और पिता की दोनों की मृत्यु हो जाती है तो उनके जो बच्चे हैं उनको 5,000 रुपये प्रति माह की उनको छात्रवृत्ति के रूप में उनको दी जा रही है। परंतु ऐसे प्रकरण भी हैं कि यदि किसी पति या पत्नी में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है और बच्चे छोटे होते हैं तो उनको उनकी देखभाल करने के लिए एक जो जीवित रहता है उसका बड़ा एक लोड रहता है। यदि पत्नी बचती है और उसके बच्चे छोटे हैं तो वो उनको पाले या कुछ काम धंधा करे, यही स्थिति पति के साथ रहती है, तो उसमें एक भरण पोषण प्रावधान के तहत में महिला बाल विकास में 2,000 रुपये प्रति माह का उनको बच्चों को देने का प्रावधान है। परंतु उसमें एक लिमिट है कि एक ज़िले में कितने की उसमें स्वीकृति की जा सकती है। इस ज़िले में अभी हमने जब जानकारी इकट्ठी की है तो 1 मार्च के बाद में लगभग 200 या 170 या 180 परिवार ऐसे निकले जिसमें पति या पत्नी की किसी की मृत्यु हुई है। उसमें से 30 प्रकरण जिसमें जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और ऐसी महिलाएं जो बच्चों की देखभाल करने में लगी जाती हैं और उनको काम करने में दिक्कत भी आती है, तो उनके सपोर्ट के लिए 2,000 रुपये
उसमें स्वीकृत कराने के लिए महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश किए थे और उन्होंने आज 30 प्रकरणों में 2,000 रुपये की सहायता स्वीकृत करा दी है। इसके अलावा जो अन्य प्रकरण हैं उनको भी एक सामाजिक सपोर्ट की चाहिए, संबल की आवश्यकता है। मैं ऐसे प्रकरण में मैंने जिला महिला बाल विकास अधिकारी को निर्देश दिए हुए हैं कि मेरी ओर से शासन को हम एक पत्र लिख रहे हैं कि इनको भी हम 2,000 रुपये शासन की ओर से 2,000 रुपये इनको मिल जाएं तो उनको बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, ये हम पत्र शासन को भेज रहे हैं। इसमें जो कोरोना काल में ऐसे महिलाएं हैं जिनके पतियों की मृत्यु हुई है, उसमें ऐसे सभी महिलाओं को कल्याणी योजना के तहत में विधवा जो पेंशन मिलती है उसकी स्वीकृत कराने के लिए मेरे द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हुए हैं कि शीघ्र से शीघ्र इनको 600 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की जाए। इसके अलावा इसमें जो BPL धारी महिला हैं उनको राष्ट्रीय परिवार सहायता में भी राशि मिलने का प्रावधान है, तो इनको सभी को 25,000 रुपये जो राष्ट्रीय परिवार सहायता है ये भी स्वीकृत कराने के लिए मेरे द्वारा अधिकारी निर्देश दिए गए हैं। इस तरह से शासन की स्कीम के अंतर्गत में जो लोग पात्र हैं, जो महिला पात्र हैं, उनको जो भी लाभ मिल सकता हो हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति होने पर उर्मिला ने CM का आभार भी व्यक्त किया और कहा कि अनुकंपा नियुक्ति होने से वह बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकेंगी। मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जो प्रारंभ किया उदार नीति का, उसके तहत मुझे ये अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त हुई है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इस अनुकंपा नियुक्ति की वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ और मेरे बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाऊंगी, इसके लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखा जाए तो बड़वानी में हितग्राहियों की मदद करने के लिए कलेक्टर हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़वानी।